कैसे हैं आप? हम फिर हाजिर हो गए हैं अपने अलकलम एजुकेशन चैनल के साथ। यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशन चैनल। बीए के इम्तिहान जो है करीब करीब है, 19 अप्रैल को पहला पेपर आप लोगों का, तो स्टूडेंट को बड़ी परेशानी हो रही थी इंग्लिश में, तो हम आपके लाए हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जिनको तैयार करके इंशाल्लाह आप इसी इम्तिहान में 6 नंबर से कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पैटर्न बताया था, पैटर्न के बाद पॉइंट बताए थे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करनी है जिससे आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 5 आनी है और उसमें से आपने 3 जो है उसके पार्ट्स करने हैं, ठीक है, वो बता चुके हैं। तो जिसने अगर नहीं देखी तो वो जाके वीडियोस को देख सकता है। उसके बाद आज हम बताएंगे कि पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि स्टूडेंट को यही मसला बना रहता है और ये 3 आने हैं, 3 में से 2 करने हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए ना बगैर। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, इसको आप उतार लें। वॉट वी मिस इन आवर लाइफ, ठीक है, अभी कौन सी पोइम से आया है तो साथ साथ ही बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि याद कहाँ से करना है, ठीक है। व्हाट वी मिस इन आवर लाइफ, ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, डिस्कस टार्टारी एज एन इमेजिनरी पोइम, ठीक है, डिस्कस टार्टारी एज एन इमेजिनरी पोइम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट आर द प्रोमिसेस मेड बाय पोइटस, डिस्कस द पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। अच्छा, ये पोएम कौन कौन सी है ये बता दें, आपके न्यू रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखें, व्हाट वी मिस इन आवर लाइफ लेयर के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस टार्टारी एज एन इमेजिनरी पोएम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोमिसेस मेड बाय द पोइटस, ठीक है। उसके बाद है, डिस्कस द, यही सवाल इसका, पर्सोनिफिकेशन इन दी पोएम, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का है। उसके बाद अब 4 क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पैट्रियोट इन टू ट्रेटर, यानी गद्दार को कहते हैं, एज ड्रामेटिक मोनोलॉग ये मोनोलॉग, फुल ऑफ आयरोनिक सिचुएशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में और है, पैट्रियट इनटू द ट्रेटर एज ड्रामेटिक, ठीक है, मोनोलॉग भी पढ़ते हैं, फुल ऑफ आयरोनिक जो है सिचुएशन। तो मेरे पास ही कितने सवाल हो गए, 4 हो गए। अब अच्छी तरह से आपको दिखा देते हैं, वीडियो को सो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको आप याद करने पॉइंट्स के, पेपर आपका सारा हो जाएगा। 5 पे आते हैं। 5 पे मेरे पास है, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पोएट ऑन सीइंग स्नेक एट हिज वाटर थ्रो। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द जो है इसका पॉइंट ऑन सीइंग स्नेक एट हिज वाटर थ्रो। उसके बाद 6 पे आ जाए, 6 पे मेरे पास है, डिस्कस द लिटरल एंड सिम्बोलिक, कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा, अगर नहीं पता चलेगा तो बता देना मुझे, सिम्बोलिक importance of after apple picking, वो नाम से पता चल गया, ठीक है, देख रहे हैं। What are the reactions of the जो है poet on seeing snake at his water trough, ठीक है। और नीचे वाले मेरे पास है, discuss the literal and symbolic importance of after apple picking। Question number 7 है मेरे पास, द पोइट इंजॉय सॉन्ग्स, द पोइट
enjoys songs of girl through unable to understand why. ठीक है, और ये पोइम आपके पास आ रही है द सॉलिटरी रिपेयर. ठीक है, द पोएट एंजॉयज सॉन्ग्स ऑफ गर्ल थ्रू अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द सॉलिटरी रिपेयर. ठीक है, ये पॉइंट्स आपकी उसमें से ही सवाल आया हुआ है. कितने हो गए आपके पास? 7. ठीक है, अब चलते हैं टोटल इसके आपको कोई 11 बनते हैं. 8वां में आ जाए. हंटर इज हंटेड डिस्कस. ठीक है, इसको बयान करना आपने. इसके बाद 9 पे आ जाए. द वैनिशिंग विलेज एंड्स ऑन अ होपफुल. ठीक है, डिस्कस. दो सवाल है. हंटर इज हंटेड डिस्कस. ठीक है, द वैनिशिंग. ठीक है, विलेज एंड्स ऑन द होपफुल डिस्कस. 10वें सवाल पे आ जाए. 10वें सवाल मेरे पास है व्हाट आर द फेयर्स ऑफ What are the अब यहाँ पर आ जाए the 7 stage. ठीक है, of man life. ठीक है, all the world as a stages. पूरी दुनिया आपके स्टेज के मुताबिक है. द 7 stage of a man's life. ठीक है, उसके बाद क्या था कि all the world as a stage. यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. और 10वें पे 11वें पे आ जाए. व्हाट आर द फेयर्स ऑफ पोइट या पीपल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बीए पार्ट 1 के. तो उस सवाल को तैयार करना शुरू कर दें. इंशाल्लाह इन 11 में से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें. लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.